और बड़ी खबर है तुर्क से, जहां सीएम भूपेश बघेल को मानद उपाधि दी गई है। सीएम को डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। दुर्ग यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में उन्हें इस उपाधि से नवाजा गया है। कुलपति अरुणा पलटा ने उन्हें सम्मानित किया है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए मानद उपाधि से नवाजा गया है सीएम भूपेश बघेल को। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना की जमकर प्रशंसा भी हुई। ये बड़ी खबर है दुर्ग से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मानद उपाधि से नवाजा गया है। सीएम भूपेश बघेल को डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। दुर्ग यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में उन्हें ये उपाधि दी गई है और कुलपति अरुणा पलटा ने उन्हें सम्मानित किया इस उपाधि से। जब ये मानद उपाधि मिली, अरुणा मैडम जब गई थी तो मुझे बड़ा पता सा लगा। मैं बोला ये उचित तो नहीं लग रहा है मुझे, फिर भी उन्होंने कहा नहीं, आपने जो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी में काम किया है, सामूहिक विवाह में काम किया है और ज्योतिबा फुले सम्मान से सम्मानित किया है, तो इस कारण से ये हमारा हक बनता है कि हम और पूरे विद्या परिषद ने, सभी समितियों ने ये तय किया है कि इस मानद उपाधि को आपको देने का फैसला किया है। तो आज जब आया हूं तो बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे परिवार साथ में है, विशेष तो है ही, बच्चे लोग भी आए हैं। अक्सर होता यह है कि जब डिग्री मिलती है तो पालक लोग आते हैं। मुझे जब मानद उपाधि मिली है तो मेरे परिवार के और मेरे बच्चे लोग आए हैं। और अंबिकापुर से बड़ी खबर है, प्रशासन ने नाबालिग की शादी रुकवाई है। ग्राम जारा किला में नाबालिग की शादी रुकवाई गई है। महिला बाल विकास की टीम वहां पहुंची और एक्शन लिया, कार्रवाई की। महिला बाल विकास की टीम ने परिजनों को समझाइश भी दी है। टुंड्रा ब्लॉक का मामला है ये बड़ी खबर है अंबिकापुर से, जहां प्रशासन ने नाबालिग की शादी रुकवाई है। ग्राम जारा किला का ये मामला है, जहां एक नाबालिग की शादी कराई जा रही थी, इसके बाद महिला बाल विकास विभाग की टीम पहुंची। श्रवण न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। श्रवण, कैसे ये जानकारी लगी और समझाइश भी दी गई है, बताया जा रहा है परिजनों को? बिल्कुल, महिला बाल विकास के जो अधिकारी है वो उनको सूचना मिला था, ये बताया गया था कि लुंड्रा ब्लॉक के चारा केला ग्राम पंचायत में एक कोरवा परिवार की 14 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ विवाह किया जा रहा था। इसकी सूचना पर चिंतामणि जो सिन्हा है अधिकारी महिला बाल विकास, वो उनकी टीम गांव में पहुंची थी और उनकी जो तमाम दस्तावेज की जाँच की है तो उसमें ये सिद्ध नहीं हो पाया कि जो बालिका है उसकी उम्र जो है 18 वर्ष हो चुकी है। तो इसके बाद परिजनों को समझाइश दी गई है, उनको बाल विवाह करने के दुष्परिणाम को बताया गया और शपथ भी दिलाई गई कि 18 वर्ष के बाद ही वो अपनी बच्ची का शादी करें। और अक्सर देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नाबालिग जो बच्चियां हैं उनका विवाह कर दिया जाता है, तो प्रशासन की टीम मुस्तैद है और इस तरह के जो बाल विकास की टीम को लगातार सूचना मिलने पर जाकर रोकवा भी रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि लेकिन एक्शन से ज्यादा जरूरी है लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना, इस दिशा में भी महकमा कोई कदम उठा रहा है श्रवण? बिल्कुल जी, बिल्कुल, जिस तरह से प्रशासन की टीम जागरूक है, जागरूक करती रही है और गांव-गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो या मितानिन हो, इनको ये समझाइश दिया जाता है परिजनों को कि जब तक लड़कियां बच्चियां जो बालिग ना हो जाए तब तक विवाह ना किया जाए। लेकिन अक्सर ग्रामीण बिहार क्षेत्र में ये सब देखने को मिलता है, लेकिन प्रशासन की ये अच्छा सार्थक पहल रहा कि वो मौके पर पहुंची और जो नाबालिग बच्ची है उसका जो विवाह को यहाँ पर रुकवाया है। ठीक है, चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए श्रवण, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर बिलासपुर से है, जहाँ भागवत पंडाल से दान पेटी की चोरी हुई है। 27 कोली इंद्र सेन नगर के शिव मंदिर से चोरी की वारदात अंजाम दी गई। भागवत कथा के दौरान दान पेटी की चोरी कर ली गई। सीसीटीवी में एक महिला की तस्वीर भी कैद हुई है और इसी महिला पर चोरी का संदेह भी जाहिर किया जा रहा है। सिविलाइन थाने में मामले की शिकायत की गई है, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये तस्वीरें सामने आई हैं बिलासपुर से, जहां
भागवत पंडाल से दान पेटी चोरी हो गई। 27 खुली इंद्रसेन नगर के शिव मंदिर का ये मामला है। भागवत कथा के दौरान ही दान पेटी उड़ा ली गई और सीसीटीवी में एक महिला भी नजर आ रही है। इसी महिला पर चोरी का संदेह भी जाहिर किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे और खबर ग्वालियर से है, बड़ी खबर है। महाराज बाड़ा में दो गुटों में मारपीट हो गई। दोनों गुटों के बीच जमकर लात घूंसे भी चले। युवती के स्कूटी से टक्कर के बाद यह विवाद हुआ था। मौके पर मौजूद लोगों ने मामला शांत कराया है। तो ये बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां महाराज बाड़ा में दो गुट आपस में टकरा गए, मारपीट हो गई और जमकर लात घूंसे भी चले हैं, मारपीट भी हुई है। बताया जा रहा है कि कारण युवती के स्कूटी से टक्कर के बाद यह हंगामा हुआ। और खबर दतिया से, दतिया में निकली मां पीताम्बरा की रथ यात्रा। सीएम शिवराज रथ यात्रा में शामिल हुए। महाकाल लोक की तरह मां पीताम्बरा लोक बनाने की मांग भी उठ रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंच से सीएम से मांग की, माई की कृपा है प्रदेश पर। और दतिया में हवाई जहाज के लिए केंद्र में बात करेंगे, ये भी सीएम शिवराज ने भरोसा दिया। शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे ने माई का रथ भी खींचा और रथ खींचकर रथ यात्रा का शुभारंभ किया। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, दतिया से ये तस्वीरें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दतिया पहुंचे और दतिया में मां पीताम्बरा की रथ यात्रा निकाली गई और सीएम शिवराज भी रथ यात्रा में शामिल हुए। इतना ही नहीं, महाकाल लोक की तरह मां पीताम्बरा लोक बनाने की मांग भी इस मौके पर उठी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सीएम से ये मांग की और इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि माई की कृपा है प्रदेश पर। दतिया में हवाई जहाज के लिए भी केंद्र से बात करेंगे। बात कही काशी में कॉरिडोर बन गया, महाकाल महालोक बन गया। अब मैया की ही ऐसी इच्छा है कि दतिया में भी पीताम्बरा माई महालोक बन जाए। हमारा बजट जब हम आए तो 21,000 करोड़ का मिला, हमने 12 में उसको 1,00,000 करोड़ पार किया, 20-21 में हम 2,00,000 करोड़ के पास गए, पार गए, और अब 3,14,000 करोड़ रुपए का बजट है मध्यप्रदेश का। माई की तो कृपा है, माई तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो बनाना बनवा लो। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।